अस्सलामुअलैकुम गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि आप तैयारी कर रहे होंगे बाकी तमाम सब्जेक्ट की, इस्लामियात भी कर रहे होंगे। तो आज जो है इस्लामियात के हवाले से थोड़ा सा बताता चलूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है और क्या क्या बाकी है। चैप्टर नंबर वन पढ़ रहे, चैप्टर नंबर वन में 17 जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनाए हैं और 3 जो है ना इसके लॉन्ग होंगे, टोटल जो है 20 बनते हैं। 17 जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के जो बनेंगे और 3 जो है वो लॉन्ग बनेंगे। तो 17 में हमने जो पढ़ चुके हैं जो है लेक्चर नंबर 1 में जो हमने कुरानी आयत का तर्जमा और लेक्चर नंबर 2 में कुरान जो है ना अहादीस का तर्जमा, और इसके अलावा हमने जो अभी तक जो है 15 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, और आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 7 है, इसमें हम 2 और पढ़ेंगे, टोटल जो है 17 हो जाएंगे। तो क्या क्या पढ़ चुके हैं, क्योंकि बुनियादी अकायद में 7 चीज़ें हैं, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व यौमिल आखिरी व अल-क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला व अल-बअ्थु बादल मौत। तो इसमें जो 7 चीज़ों पर ईमान लेकर आना है, तो उसमें एक इसमें इस्लाम की बात आ गई, बुनियादी अकायद में सबसे पहले तो इस्लाम है, तो इस्लाम का तारुफ, फिर इस्लाम के बुनियादी अकायद कौन से हैं, ये हमने सवाल पढ़ा इस्लाम के बुनियादी अकायद। इसके बाद जो अगला हमने सवाल पढ़ा, अकीदा किसे कहते हैं, पहले तो बताना है कि अकीदा क्या किसे कहते हैं, जो दिल की गहराई में उतर जाए, जिसमें शक व शुबा की गुंजाइश बाकी न रहे। अमर सवाले से क्या मुराद है, ठीक है इस्लाम की बात तो हो रही है, लेकिन अमर सवाले किसे कहते हैं, जिसकी 3 अकसाम थी, इबादात, मामलात और अखलाक। इसके बाद नंबर 5 में हमने इस्लाम और ईमान में फ़र्क, इस्लाम किसे कहते हैं और ईमान किसे कहते हैं, इनमें फ़र्क क्या है, इसको हमने पढ़ा। इसके बाद तौहीद की अकसाम, तौहीद की अकसाम क्या हैं, कौन कौन सी हैं, तौहीद की अकसाम के बाद हमने शिर्क की अकसाम पढ़ी, शिर्क किसे कहते हैं, शिर्क की अकसाम क्या हैं, और शिर्क की अकसाम के बाद हमने नबी और रसूल में फ़र्क क्या है, नबी किसे कहते हैं, रसूल किसे कहते हैं। ये शुरू में की जो बातें थी वो तो अकीदा तौहीद से मुतालिक थी, आमनतु बिल्लाहि, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, फिर इसके बाद जो ना वो रसूल ही और रसूलों पर ईमान, तो यहाँ पर जो ना नबी और रसूल में फ़र्क किसे कहते हैं। और इसमें जब नबी की बात आई तो वही जो है नबियों पर आती हैं, तो वही किसे कहते हैं, वही के बारे में भी जो है आपके इस चैप्टर में है। फिर अम्बिया की खसूसियात क्या हैं, ये भी अकीदा रिसालत में से है, अम्बिया की खसूसियात। अगला सवाल है रिसालत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात, क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इम्तियाजी खसूसियात क्या हैं, जिसमें हमने पढ़ा था इमामुल अम्बिया, खातमुल अम्बिया और हिफाजत कुरान, ख़त्म नबूवत, ये भी अकीदा रिसालत से है, ख़त्म नबूवत किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ा हूँ, मलाइका के बारे में पढ़ा, फरिश्ते किसे कहते हैं, फरिश्ते की कितनी अकसाम हैं, उनके काम क्या क्या हैं, और इसके अलावा कुतुब समावी के बारे में पढ़ चुके हैं, कुतुब समावी किसे कहते हैं, कुतुब समावी के बारे में पढ़ा। और आज जो हम पढ़ेंगे वो अकीदा आखिर के बारे में पढ़ेंगे कि अकीदा आखिर किसे कहते हैं। और एक और जो सवाल जो है, जैसे तो हमने मलाइका के बारे में पढ़ा, मलाइका किसे कहते हैं, ऐसे ही किरामन कातिबीन के बारे में पढ़ चुके हैं, किरामन कातिबीन किसे कहते हैं, वो भी जो है रसूल जो है ना फरिश्तों पर ईमान, मलाइका इन्नल्लाह व मलाइकतहु, मलाइका के बारे में, फरिश्तों के बारे में। इसके बाद आज जो है, क्योंकि 15 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, आज के लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक तो है आखिरत किसे कहते हैं, आखिरत से क्या मुराद है, आखिरत के मफहूम को वाज़ह करें, अकीदा आखिरत की वजाहत करें। जब ये अकीदा आखिरत के बारे में होगा तो 3 पॉइंट तो हमने इसमें 3 हेडिंग्स लिखनी है। पहले आखिरत की लुगवी मैंने क्या है, आखिरत की लुगवी मैंने, आखिरत की इस्तलाही मैंने क्या है, किसको आखिरत कहते हैं, और अकीदा आखिरत कुरान और हदीस की रोशनी में, कुरान में अकीदा आखिरत के बारे में क्या है और हदीस में अकीदा आखिरत के बारे में क्या है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हम पैराग्राफ की सूरत में ना लिखें बल्कि हेडिंग की सूरत में लिखें, 3 मार्क्स का होता है,
और अगर 3 एग्जिट लिखी होंगी चेक करने में भी आसानी हो जाएगी और उसमें आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं। आखिर जो रुक भी मैंने हैं बाद में आने वाली चीज़, भाई आप आखिर में क्यों आए, बाद में क्यों आए, आखिर इसके मुकाबले में दुनिया, दुनिया का मतलब है करीब की चीज़ अभी जो चल रही है दुनिया, और आखिरत बाद में आने वाली चीज़, जब इंसान मर जाएगा बाद में जो चीज़ आएगी, जो हालात आएंगे, तो वो आखिरत है। आखिरत की सलाही मैंने क्या है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो पैदा किया है वो बेमकसद पैदा नहीं किया। अल्लाह पाक कुरान से बात है, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुम ये गुमान करते हो कि हमने तुम्हें यूं ही बेकार पैदा किया है और तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने हमें बेकार नहीं पैदा किया बल्कि एक अजीम मकसद देकर दुनिया में भेजा है। वो अजीम मकसद क्या है? वो अजीम मकसद ये है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून ऐ लियारिफून, कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए, अपनी माफ़त के लिए पैदा किया है, हम अल्लाह को पहचाने, अल्लाह कौन है, अल्लाह की इबादत करें, और इसका जो है हिसाब किताब होगा। وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, हर चीज़ का जो है हिसाब किताब होगा, ज़रा बराबर भी नेक अमल किया होगा उसका भी जो है हिसाब किताब आखिरत में, अगर ज़रा बराबर भी बुरा अमल किया होगा उसका भी हिसाब किताब होगा। तो अकीदा आखिरत की इस्तलाही मैंने ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और इंसान कुछ अरसे के लिए, मुख्तसर अरसे के लिए दुनिया में आया है, कुन फिद दुनिया का अन्न का गरीब और आबिर सभी, हम सब के सब मुसाफिर हैं, किसी की ज़िंदगी जो है 50 साल है, किसी की 60 साल है, किसी की 70 साल है, किसी की 100 साल है, वल्लाहु आलम, किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन जो मुख्तसर सी ज़िंदगी है और हम सबको मरना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ को फना होना है, हर चीज़ को मरना है, तो जब हम मर जाएंगे तो बाद में हमारा हिसाब किताब होगा। जब इंसान कब्र में चले मुंतकिल हो जाता है और कब्र में मुंतकिल होने के बाद जब क़यामत आएगी और हिसाब किताब का जो है ना यौमुल हिसाब यौमुल जज़ा, जब आखिरत के दिन होगा, जिस दिन हिसाब किताब होगा यौमुल मीज़ान, तो उस वक्त जो है नेक आमाल और बुरे आमाल के बारे में जब हिसाब किताब होगा, जन्नत और जहन्नम का जो है जब फैसला कर दिया जाएगा, तो यह है आखिरत की ज़िंदगी। और आखिरत की ज़िंदगी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, दुनिया की ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाएगी लेकिन आखिरत की ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर दुनिया आसमान और ज़मीन को राय के दाने होते हैं बारीक से, उससे भर दिया जाए और 1000 साल बाद एक परिंदा आए और एक दाना ले जाए, तो मुमकिन है कि वो राय के दाने तो ख़त्म हो जाएंगे, खरबों साल लगेंगे, लेकिन आखिरत की जो ज़िंदगी है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। वहाँ पे इंसान को हमेशा हमेशा के लिए रहना है, वो अबदी ज़िंदगी है। ये इसके बारे में हम लिखेंगे अकीदा आखिर कुरान हदीस की रोशनी में। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, वलल आखिरतु खैरुन लक मिनल उला, आखिरत की जो ज़िंदगी है वो दुनिया की ज़िंदगी से बेहतर है। और قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر, दुनिया जो है वो मोमिन के लिए कैद खाना है, मोमिन के लिए जेल है, कैद खाना है दुनिया की ज़िंदगी, और काफिरों के लिए जन्नत है, क्योंकि उनको जो मिलना है वो दुनिया में मिलेगा, आखिरत में उनका कोई हिसाब किताब नहीं, कोई काफिर है वो। तो ये एक तो हमने जो है कुरान आयत का तर्जमा लिखना है और एक हदीस का तर्जमा इसमें लिखेंगे, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। इसके बाद अगला जो सवाल है, नफ़े सूर से क्या मुराद है? नफ़े सूर, सवाल तो बहुत आसान है लेकिन जब पेपर में आता है नफ़े सूर किसे कहते हैं, बहुत से बच्चे तो लिखते ही नहीं हैं, अगर किसी ने लिख भी दिया तो गलत लिख देते हैं, जो बात पूछी जा रही है वो नहीं लिखते, अपनी तरफ से लिख देते हैं। इसलिए इस चीज़ को समझना कि नफ़ किसे कहते हैं, सूर किसे कहते हैं, इसके लुगवी मैंने क्या हैं, इसके इस्तलाही मैंने क्या हैं, और कुरान मजीद में नफ़े सूर के बारे में क्या है, बहुत ही आसान है। इसने नफ़ के जो लुगवी मैंने हैं वो है फूंकना, और सूर के मैंने होते हैं बाजा या बगुल।
जैसे हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम वो एक बाज़ नमाज जो है उनके मुंह में होगा और वो जो बजाएंगे बजाना या उस पर जो फूकेंगे की जो आवाज़ आएगी उसको नफ़ख़ कहते हैं। और सूर वो जो बाजा पकड़ा होगा बहुत बड़ा बाजा है वो बाजा नुमा होगा उसको सूर कहेंगे। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम का सूर बजाना सूर का जो फूकना है सूर जो फूकेंगे उसको नफ़ख़ सूर कहते हैं। आसान है तो आपने लिखना है नफ़ख़ के जो मैने हैं लोगे मैने हैं वो फूकना बजाना और सूर की जो मैने हैं बाजा या बगुल। इसके बाद नफ़ख़ सूर के इस्तलाही माने तो हम ये कहेंगे कि हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से जो सूर फूकेंगे जिससे तमाम के तमाम इंसान वो ख़त्म हो जाएंगे मर जाएंगे और फिर कुछ अरसे बाद 40 दिनों के बाद 40 सालों के बाद या कुछ अरसे के बाद अल्लाह के हुक्म से जब दोबारा सूर फूका जाएगा दोबारा ज़िंदा होंगे हिसाब किताब होगा तो हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम का जो सूर फूकना है उसको नफ़ख़ सूर कहते हैं। आसान हो गया। इसके बाद जो अगला सवाल है अगली जो इसमें बात है नफ़ख़ सूर कुरान की रोशनी में कुरान मजीद में नफ़ख़ सूर के बारे में क्या है। कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ कि जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो आसमान और ज़मीन में जितने भी रूह हैं वो सब के सब बेहोश हो जाएंगे। فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ आसमान और ज़मीनों में जो कुछ है वो सब के सब बेहोश हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसके बारे में कुरान आयत का तर्जुमा था। तो नफ़ख़ सूर में हमने एक तो उसके लुगवी मैंने लिख दी इस्तलाही मैंने हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकना फिर दोबारा सूर फूंकना पहले लोग सब मर जाएंगे फिर दोबारा जिंदा होंगे अल्लाह के हुक्म से हिसाब किताब हुआ फिर नफ़ख़ सूर कुरान की रोशनी में इसकी भी तीन जो है हेडिंग्स बनी और उसमें आपने लिखना होगा। और ये जो सवाल है इसकी भी जो है तीन हेडिंग्स हमने बनाई और इसमें भी कुछ ना कुछ जो है आख़िरत के बारे में आख़िरत के लुगवी मैंने क्या है आख़िरत की इस्तलाही मैंने क्या है और अकीदा आख़िरत कुरान और हदीस की रोशनी में पुरानी आयत का तर्जुमा और हदीस का तर्जुमा और इसमें नफ़ख़ सूर ये लुगवी मैंने क्या है आसान हो गया वो नफ़ख़ सूर नफ़ख़ सूर की इस्तलाही मैंने क्या है वो लिखेंगे और नफ़ख़ सूर की नफ़ख़ सूर कुरान की रोशनी में इसके बारे में लिखेंगे। अच्छा ये हमारे जो है तकरीबन 17 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि भाई ये सब के सब आपको समझ में आ चुके होंगे हर एक के तमाम क्वेश्चन आपके सामने होंगे 17 क्वेश्चन कौन कौन से हैं और इसके लुगवी मैंने क्या हैं इस्तलाही भी मैंने क्या हैं और कुरान और हदीस की रोशनी में इसको कैसे जिक्र किया जाएगा या इसके बारे में और जो बात है जो लिखनी होंगी वो सब के सब आपको याद होनी चाहिए। लुगवी मैंने और इस्तलाही मैंने याद करना तो बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के बारे में क्योंकि जब आप लुगवी मैंने और इस्तलाही मैंने लिखेंगे तो पेपर चेक करने वाले को समझ में आएगा कि वाकई ये ऐसे ही है। सबर के बारे में पूछा गया कि पुरानी सबर से मुताबिक पुरानी आयत का तर्जमा लिखें अक्सर तलबा ने इन नवा मा सबीन सबर लिखा तर्जमा लिखा बेशक अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ है। नहीं पहले सबर के बारे में बताना है कि सबर किसे कहते हैं सबर के लुगवी मैंने कहे हैं सबर की इस्तलाही मैंने कहे हैं और फिर कुरान में अल्लाह पाक में सबर के बारे में क्या इरशाद फरमाया है कुरान की रोशनी में सबर कुरान की रोशनी में जो आयत है उसका तर्जमा बाद में लिखें। ऐसे ही हर चीज़ को बहुत सा वजाहत के साथ तफसीर से लिखना होता है। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 8 हमारा जो होगा वो लॉन्ग क्वेश्चन का होगा उसमें 3 क्वेश्चन हैं अकीदा तौहीद अकीदा रिसालत और अकीदा आखिरत इन 3 में से एक सवाल लाजमी आता है 7.5 मार्क्स का होता है। इंशाल्लाह इसको अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और इस पर आप अमल भी करेंगे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए वमा अलैना इल्लल बलाग।